बताता हूँ, अगर जो किसी के पास दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो जैसे इंडिया पाकिस्तान में गवर्नमेंटेड जॉब है, तो सेम ऐसी बंदा इधर का एक आधा नेशनलिटी हो जाता है। कैसे हैं आप सब सारे के सारे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पूरी दुनिया में जहाँ भी होंगे। तो नए दिन नए वीडियो, तो भाई देख रहे हो क्या हालत है मेरी। यार भाई वीडियो बहुत कम आ रही है आजकल, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है। और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ दुबई के लाइसेंस के लिए, दुबई ड्राइविंग लाइसेंस की फुल डिटेल के साथ में। और मेरे जो उस्ताद हैं, मैं इनसे मिलवाने से पहले उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। 2019 में जब मैं अपना लाइसेंस बना रहा था, तो जब मुझसे अपना लाइसेंस नहीं बन रहा था, तो मेरे साथ बैठे हुए मेरे, मैं मतलब फ्रेंड है, लेकिन उस टाइम के उस्ताद रह चुके हैं मेरे। मतलब मुझे सिखाया, मतलब जेन्युइन बात है, मेरे को सिखाया। और आई थिंक 2019 से हम आज दूसरी बार मिले हैं, ठीक है ना। एक बार पहले मिले थे 2 साल पहले, और एक आज मिले हैं। तो भाई ने अभी लाइसेंस लिया है, तो इसी बारे में मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में इनका मतलब, क्योंकि इनको मुझसे ज़्यादा नॉलेज है और मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है दुबई का। और मैंने सोचा चलो आज इन्हीं के साथ में अपना पूरा वीडियो करेंगे, और यहीं आपको अपनी भाषा में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। हैं मिस्टर यासीर से, तो क्या हाल चाल है भाई यासीर भाई? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबको थोड़ा ऊंचा बोले। अच्छा हाँ, सब देखने वाले को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जिधर भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपको स्टेप वाइज पूछूंगा, ठीक है ना, आप उसका मतलब रिप्लाई। आप पाकिस्तान से कहाँ से हो? मैं पंजाब फैसलाबाद से हूँ। अच्छा, इसका पुराना नाम लायलपुर है। अच्छा, कुछ पंजाबी मेरे दोस्त जानते भी होंगे। तो आप दुबई कब आए थे? दुबई में आया था 2015 में। मतलब मेरे, मतलब सीनियर हुए ना मेरे, इसलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में मेरे उस्ताद है, ठीक है ना, मेरे टीचर है ने मतलब ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज है दुबई के ड्राइविंग लाइसेंस। अभी अब मतलब 2015 में आके, और आपने लाइसेंस 2023 में लिया, मतलब इसका इतना डिस्टेंस, मतलब इतना टाइम के बाद लेना, इसका क्या रीज़न है? मतलब इसका रीज़न एक तो ये है कि मैंने अपने खुद पे डिपेंड किया। ओके, ठीक है, मैंने किसी की यानी कि पीछे अपने घर वालों को तंग नहीं किया। अच्छा, मतलब सीधा सिंपल सी बात बताओ कि उधर से पैसे लेके नहीं आए। और डायरेक्ट पहले इधर पे दूसरी जॉब, यार बाद में लगा कि यार जॉब चेंज करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, लाइसेंस बनाना, लाइसेंस ऐसे। तो आप लाइसेंस के बारे में बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि कितना पैसा लगता है, मतलब बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि इंडिया से पाकिस्तान से कितना, तो आपका कितना पैसा लगा? और इसमें दो चीज़ें होती हैं, आप एक चीज़ भी बताना कि आप दुबई को, मतलब आपने ड्राइविंग लाइसेंस फिक्स प्राइस करना चाहिए या नॉर्मली लेना चाहिए, आपने कैसे लिया? मैंने तो नॉर्मली लिया था। ओके, ठीक है। मोस्टली ये एडवाइस है, अगर तो आपने गाड़ी पहले नहीं चलाई मुल्क में, तो आपको चाहिए कि आप जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कर लें, मतलब ठेका कर लें, फिक्स प्राइस। फिक्स प्राइस, ओके। हाँ, अगर आपने गाड़ी पहले चलाई है, आपको कॉन्फिडेंस है अपने आप खुद पर कि हाँ मैं मुझ पे तो नहीं, जैसे मुझे ऐसे बनते हैं, हमें तो नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, तो नॉर्मली लेना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद भी नॉर्मली लिया। ओके, और मैं पहले पाकिस्तान में गाड़ी चलाता भी रहा हूँ। अच्छा, इस वजह से मेरे कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो कम भी लगे। अच्छा, मतलब वो बाद में पूछूंगा वीडियो के एंड में कितना पैसा लगा आपका। हाँ। अगर जो आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो, वीडियो के लास्ट में बताएंगे कितना पैसा यासिर भाई का लगा। मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, 2023 की बात बता रहा हूँ अभी, मतलब अभी क्या क्या, बहुत सारे बंदे बोलते हैं हमको NOC चाहिए, या हमारे पास कोई पाकिस्तान की ID या दुबई इंडिया की ID, मतलब जहाँ से बंदा रहने वाला उधर का क्या क्या चाहिए? मतलब अब तो गवर्नमेंट ऑफ UAE ने जो है वो NOC का जो प्रोसीजर है वो ख़त्म कर दिया है। ओके, ठीक है जी। तो आप नॉर्मली जो भी है सिर्फ अपना सिंपली पासपोर्ट और ID, पासपोर्ट के फ्रंट पेज की कॉपी। ओके, और एमरेट साइड ओरिजिनल नहीं चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल कंपनी के पास होता है, कंपनियों का, मतलब अपनी जो फोटो कॉपी जो आपके फोन में हो, वो निकलवा के प्रिंट करवा के। ओके, और एक अपना एमरेट साइड जो आपका दुबई का ID होता है, वीजा, मतलब जिसके बाद पक्का वीजा। बहुत सारे बंदे मेरे को ये भी बोलते हैं कि विजिट वीजा पे आके लाइसेंस बनवाना ट्रक का या गाड़ी का, क्या विजिट वीजा पे ओपन नहीं होती फाइल? अच्छा, मतलब विजिट रेजिडेंस वीजा लेना पड़ता है, वर्क परमिट। ओके, उसके बाद ID आएगा, एमरेट्स ID, उसके बाद जो आपकी फाइल ओपन, मतलब सीधी सी बात है विजिट वीजा पे नहीं बना सकते। मेरे पास क्वेश्चन है, देखो मैंने सबसे पहले लाइसेंस के बारे में पूछ लिया, तो मतलब लाइसेंस के बाद बंदे को, चलो वो ड्राइविंग की जॉब के बारे में मैं आपसे अलग वीडियो बनाऊंगा, 2 पार्ट बनाऊंगा इसके में। तो अभी मतलब आप क्या कहना चाहेंगे बंदे को, दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? देखें, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो एक कामयाबी की तरफ, एक जैसे कहते हैं ना पहला कदम,
तो ड्राइविंग लाइसेंस वही एक पहला कदम है। मतलब जो बंदे मतलब हम लोग भी जो छोटी सी जॉब करते थे लाइफ में, दुबई में आके जब स्टार्टिंग में आए 2017 में आया, आप 2015 में आए, ठीक है ना, मतलब आगे बढ़ने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस। बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि कितना टाइम लगता है, मतलब इसमें एक दिन लगता है या दो दिन लगते हैं या कितना टाइम इसमें लगता है लाइसेंस बनाने में? ये तो आपके ना पास होने पे डिपेंड करता है। ओके, अगर आप पहली पहली बारी में सब ट्राई पास कर लो तो ये पॉसिबल है ऐसा? हाँ होता है। अच्छा, बल्कि आपके सामने बंदा खुद बैठा हुआ है। नहीं, देखो वो एक 100 में से 1000 में से कोई एक दो बंदा होता है आप जैसा बंदा, लक्की बंदा समझ लो, या क्योंकि मैंने इधर पे अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, देखो सबका अपना एक्सपीरियंस होता है। मेरा एक्सपीरियंस में खुद में मैंने जो अपने इंडिया में या पाकिस्तान में बंदे ड्राइविंग करते थे वो इधर पे आके वो बंदे बहुत दफ़ा फैल हुए, आपने भी देखा होगा, मतलब कॉन्फिडेंस लूज करने की वजह से सिचुएशन जो है ना वो ख़राब हो जाती मतलब है। वो ड्राइवर होते हैं, प्रॉपरली ड्राइवर होते हैं, लेकिन इधर पे आके वो बंदे मतलब किसी भी कारण से वो फैल होते हैं, और एक बर्नी नहीं, दो बर्न नहीं, चार चार पाँच पाँच, और वो डिफरेंट में, ऐसा नहीं कि सीधा फाइनल पार्किंग में, थोरी टेस्ट में और यार्ड में और फिर फाइनल, तो बाद ही बात होती है। यही तो मेन कॉज बनता है डिले होने का, लाइसेंस ज़्यादा टाइम लगने का, कि आप बार बार जो है वो फेल हो रहे हो। ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम ज़्यादा से भी ज़्यादा जो है ना वो 2 महीने का टाइम लगता है। दो मंथ मुझे मेरे एक्सपीरियंस से तो मतलब अगर जो फर्स्ट ट्राई में बंदा पास हो, आपको कितना टाइम लगा? मुझे 2 महीने लगे। 2 महीने बस? तो भाई मेरे एक्सपीरियंस में भाई ऐसा मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में, दुबई में अभी तक मैंने नहीं देखा, मैं अपने एक्सपीरियंस में बताऊँ 7 साल में, तो भाई को 2 महीने में लाइसेंस मिला, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मतलब मैक्सिमम या मिनिमम एक एवरेज टाइम कितना लग जाता है? एवरेज मतलब जो बंदा मतलब एवरेज टाइम एक नॉर्मल बंदे के लिए ना आप कह सकते हैं 3 महीने, 3.5 मतलब 3.5-4 महीने, 3.5-4 मतलब इतने माइंड में होने चाहिए, माइंड में होने चाहिए। ओके, क्योंकि मेरे को, मैं बता रहा हूँ, मेरे को 6 महीने से ज़्यादा लगे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो भाई को 2 महीने में लाइसेंस मिला है, तो वो 1000 लोगों में से कोई एक दो अच्छा बंदा होता है, मतलब गॉड गिफ्टेड समझ लो, आप लाइसेंस मिलते हो आप। बहुत सारे बंदे बोले कि पता नहीं कि लाइसेंस है या नहीं है, और आपको कब लाइसेंस मिला, मतलब नाम इसमें नहीं दिखाना और बाकी। हाँ, ये लिया है मैंने लाइसेंस, देखो यही बंदा है। कब मिला आपको ये? मैंने 3 महीने पहले लिया। तो मैं देख सकता हूँ? तो ये मिला है आपको, इशू डेट मिला है 19/7/2023 को, कितना महीना? तकरीबन 2-2.5 महीने। हाँ, 2-2.5 महीने हो गए, ठीक है। मैं इनसे बोल रहा था आपके साथ वीडियो बनानी है, और टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आज भी देखो गर्मी बहुत ज़्यादा, पसीने पसीने हो गए हम। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, और लाइसेंस मिलना दुबई में, और पार्टी बाकी आपके लाइसेंस जैसे गाड़ी लेंगे उसके बाद में पार्टी लेता हूँ मैं इनसे भी। फिर भाई से पूछेंगे हम कि इनका कितना पैसा लगा था, और दुबई के ड्राइविंग स्कूल कितना पैसा चार्ज करते हैं। तो यासिर भाई, आपका कितना पैसा लगा था, और इधर पे लाइसेंस में कितना पैसा लगा था ओवरऑल? इधर कुमार भाई, आपको पता है कि दुबई में जो है वो 3-4 जो है ना वो RTA अप्रूव शुदा स्कूल हैं जो लाइसेंस देते, मतलब बहुत सारे, मतलब मैंने देखा है, मतलब ब्रांचेज हैं उनकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो हर एक स्कूल का एक डिफरेंट पैकेज होता है, नॉर्मल का भी और कॉन्ट्रैक्ट का भी। ओके, मतलब कोई फिक्स नहीं बता सकते? नहीं बता सकते। जैसे इंडिया का पासपोर्ट बनता है, उसके 1500 रुपये फीस है। हाँ। आप पूरे इंडिया में से कहीं से भी बनवाओ, कहीं से भी बनवाओ, लेकिन इसका ऐसा नहीं है, इसका ऐसा नहीं। मतलब जैसे स्कूल में जाएंगे ऐसा उसका चार्जेस होगा। ओके, बाकी मैंने जो लिया है लाइसेंस वो 4800 में जो है वो, मतलब 4800 दुबई के। दुबई अच्छा, वो अपनी कंट्री में कैलकुलेशन कर लेना भाई। मैंने तो इंडिया का, मैं बता रहा हूँ, मैंने 9000 कुछ लगाया था लाइसेंस के लिए, तो आई थिंक 2 लाख से ऊपर बनता था इंडिया में। इसने यासिर भाई ने इंडिया का 1 लाख के करीबन 1,10,000-20,000 तक लगा, ठीक है ना। पाकिस्तान का कितना लगा? पाकिस्तान का ये तकरीबन बन जाएगा आज के दौर में तकरीबन जो है वो तकरीबन 3.5-4 लाख रुपया। तो भाई जितने बंदे पाकिस्तान जो है इस टाइम बहुत डाउन है, जितने बंदे भी पाकिस्तान से देख रहे हैं, तो भाई आपका पैसा इतना लगेगा, और इंडिया वालों के लिए भाई का पैसा मतलब अगर जो इक्वली करें, तो आप ये बताएं बंदे को फिक्स में लेना चाहिए या बंदे को ठेके में, जैसे मैंने ठेके में लिया था, ठीक है ना, तो आप वो बताएं मतलब अपना एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मेरा तो यही है कि सारी बात कॉन्फिडेंस पे ही है। ओके,
मतलब मैक्सिमम आप परसेंटेज किसको ज्यादा दोगे? परसेंटेज जो है वो मैं ज्यादा दूंगा कि जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट में ले ले तो बेहतर है। हाँ, एक बंदा टेंशन फ्री हो जाता है। ओके, हाँ, बंदा मतलब इतने पेमेंट करना है, पेमेंट करना है उसके बाद जो है टेंशन फ्री। तो भाई आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए, ठीक है ना, आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए इसमें। और भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे, वीडियो बड़ा हो जाता है मेरा इसीलिए, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन पूरी करने की कोशिश करता हूँ, व्यूज़ के पाने के लिए मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ, आप लोगों ने पता है मेरा, ठीक है ना। वीडियो यहाँ तक देखा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो। और जहाँ तक होता है, ये जो यासिर भाई हैं, जब मैं 2019 में लाइसेंस ले रहा था, मुझसे अपना लाइसेंस नहीं बन रहा था, तो मैं इनके घर पे गया था शारजा में रोला मेरा ही, तो मैं उधर पे गया, मैं बोला भाई यासिर भाई मेरे को बताओ, मेरे से पास नहीं हो रहा है। और मैं रात 11 बजे पहुँचा था उधर पे, बस में गया था मैं, तो उधर पे भाई ने मेरे को बताया नेक्स्ट, मतलब जब मेरा आया एग्ज़ाम में पास हो गया था। हाँ, तो मतलब उस टाइम पर दोस्ती हम लोगों की हमेशा कॉल पे बातें होती रहती हैं। और आज मुझे भाई मिलने के लिए आए थे इधर, मैंने बोला कि तुम आज इधर पे मेरे साइड में आना था, मैं बोला मेरे घर पे आओ और आज पार्टी करते हैं इधर। शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो। और भाई दुबई का लाइसेंस के बारे में मैंने डॉक्यूमेंट्स, पैसे, टाइम सब इस वीडियो में बता दिया है। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि वीडियो पूरा इन्फॉर्मेशन लिए वाला था, तो लाइक तो एक बनता है यार, बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में। और जल्दी जल्दी मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर करवा दो, फिर आप लोगों के लिए 85,000 रुपये मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। और टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं आप लोगों को तो बहुत सारी बातें, जाते जाते कुछ बोलेंगे यासिर भाई? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब हमारे फैन फॉलोइंग को कि कुमार भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनको इनका जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, व्यूज़ अच्छे दें, क्योंकि ये अच्छी अच्छी मालूम आती है। बिल्कुल, मतलब जेन्युइन चीज़ें बताता हूँ मैं, ऐसे जेन्युइन में देता हूँ, कोई फेक वीडियो नहीं देता। कुछ कुछ जो हैं वो लोग जो हैं वो झूठी खबरें मसाला लगा के और जो है वो पेश कर देते हैं, व्यूज़ पाने के लिए छोटी सी वीडियो बना के। तो आप ऐसा कोई सीन नहीं करते यार, आप तो देसी गाँव के बंदे हैं, ठीक है ना, हम जैसे ही बंदे आते हैं उधर से, आप लोगों का प्यार सपोर्ट मेरे को मिलता है, बस यही चीज़ चाहिए। ओ, वीडियो बड़ा हो रहा है, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जाने से पहले कर दिया करें, ठीक है, बाय बाय।